हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम ड्राइंग करने वाले हैं एक हिबिस्कस फ्लावर का। फर्स्ट हम रेड पेंसिल की मदद से एक आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूं, उसके बाद उसके लिप का आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूं एक ग्रीन पेंसिल की मदद से। उसके बाद ड्रम्स का मैं ऑयल पेस्टल रेड कलर का, जो कि प्राइमरी रेड ऑयल पेस्टल है, हल्के हाथों से धीरे धीरे सेट कर रहा हूँ, जो कि हल्के हाथों से कर रहा हूँ। फर्स्ट ज़्यादा प्रेशर अप्लाई मन ही करना है, उस फ्लावर के डायरेक्शन में हल्के हाथों से धीरे धीरे सेट करना है, कलर करना है। उसके बाद ऊपर से भी कलर कर रहा हूँ ड्रम्स पेंसिल की मदद से। आप देख पा रहे होंगे मैं हर पेटल्स में यही प्रोसेस फॉलो करना है, पूरा हल्के हाथों से धीरे धीरे करना है। वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है, इसलिए थोड़ा स्पीड दिखाई दे रहा है। उसके बाद हल्के हाथों से करने के बाद आप, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद एक कॉटन का यूज करना है, उसके बाद थोड़ा एक कॉटन बट का यूज करना है और थोड़ा थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके उसे रब करना है, यानी ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद एकदम स्मूथ इफेक्ट आएगा। याद रहे, आप जो ऑयल पेस्टल का कलर होता है वो थोड़ा फील होना चाहिए, गैप की कहीं नहीं रहना चाहिए, ताकि स्मूथ इफेक्ट मिल सके। उसके बाद एक कॉटन बॉट की मदद से आप सभी पेटल्स को अच्छे से ब्लेंड कर देना, ताकि पूरा स्मूथ दिख सके एक हिबिस्कस फ्लावर की तरह। चलिए मैं इसी प्रकार से पूरा ब्लेंड कर देता हूँ। उसके बाद एजेस के लिए मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूँ, मतलब रेड पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, ताकि एजेस अच्छे से दिख सके। सभी एजेस को मैं ऐसे ही रेड पेंसिल की मदद से पूरा शार्प कर रहा हूँ, ताकि फ्लावर थोड़ा ब्यूटीफुल लग सके। उसके बाद थोड़ा डिटेलिंग के लिए मैं एक 6B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, ताकि पेटल का डिटेलिंग कर सकूँ। और हल्के हाथों से मैं उसकी डाउन की तरफ थोड़ा थोड़ा करके शेडिंग कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा डेप्थ दिखा सकूँ। डेप्थ थोड़ा थोड़ा एक पेटल को मैं शेडिंग कर रहा हूँ। उसके बाद ब्लैक पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, ताकि और थोड़ा स्मूथ इफेक्ट ला सकूँ। सभी पेटल में ऐसे ही करना है, धीरे धीरे हल्के हाथों से करना है, कोई भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो आपका ड्राइंग ख़राब हो सकता है। जब भी आप फ्री हो तो फ्री टाइम में ही अपना ड्राइंग कीजिए, ताकि ड्राइंग ख़राब ना हो। उसके बाद उसकी जो टिंडी होती है उसको मैं भी अभी कलर कर रहा हूँ, और येलो पेंसिल और ब्लैक पेंसिल की मदद से थोड़ा डिटेलिंग कर रहा हूँ। डिटेलिंग करने के बाद मैं अभी वाइट ड्रम्स का ऑयल पेस्टल यूज कर रहा हूँ, ताकि जो टेक्सचर है वो उसमें दिखा सकूँ। टेक्सचर दिखाने के बाद मैं उसे भी थोड़ा एक फ्रेश कॉटन बॉड से ब्लेंड कर रहा हूँ, ताकि स्मूथ दिख सके। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप ऑयल पेस्टल यूज करो तो हमेशा स्मूथ दिखने के लिए अच्छा कॉटन बट का यूज करना ज़रूरी है। मिडिल में मैं फिर डार्कनेस दे रहा हूँ, ताकि डार्कनेस बहुत ऑप्ट करना बहुत ज़रूरी है एक ड्राइंग में। डार्कनेस और ब्राइटनेस का कॉम्बिनेशन ही एक ड्राइंग को अच्छा ब्यूटीफुल बनाता है। उसके बाद मैं उसके लिप को अच्छे से एक ग्रीन ऑयल पेस्टल की मदद से कलर कर रहा हूँ। उसके बाद उसे भी मैं एक कॉटन बॉड से ब्लेंड कर रहा हूँ। उसके बाद लिप के डिटेलिंग के लिए मैं ग्रीन पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे मैं बिल्कुल हल्के हाथों से कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा डिटेलिंग जिस तरफ
आपको महसूस हो उसे भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसके बाद डिटेलिंग करने के बाद मैं एक ब्लैक कलर पेंसिल की तरह मदद से उससे और थोड़ा डिटेलिंग कर रहा हूँ लिप को। उसके बाद मैं एक दूसरा लिप ड्रॉ करूँगा। दूसरा लिप ड्रॉ करने से पहले मैं पेटल की अपर साइड को थोड़ा ब्लैक पेंसिल की मदद से थोड़ा थोड़ा जस्ट थोड़ा थोड़ा शेडिंग कर रहा हूँ ताकि एक फ्लावर अच्छा दिख सके। ये फ्लावर थोड़ा छोटा है इसलिए आपको थोड़ा डिटेलिंग भी कम दिख रहा होगा, पर ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, अच्छा लगा मेरे को इसलिए बना दिया। ऐसे ही ड्राइंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, पर हमें बहुत मोटिवेशन और सपोर्ट मिल जाएगा, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो मैं दूसरा लिप भी अभी ड्रॉ कर चुका हूँ, अभी लगभग ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही ड्राइंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर एंड कमेंट